नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रिब्यूनल्स एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज एंड जुडिशियल कंट्रोल ओवर देम। टॉपिक बड़ा है इसलिए दो पार्ट में बनाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिब्यूनल्स एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। नेक्स्ट स्लाइड में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जुडिशियल कंट्रोल ओवर देम। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि इसमें दो टर्म्स हैं, ट्रिब्यूनल्स एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। ये दोनों एक ही नहीं है, अलग अलग है। ट्रिब्यूनल्स में तो क्वासी जुडिशियल फंक्शंस एंड अथॉरिटीज इनहेरेंट है। ट्रिब्यूनल्स के जब कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, उसे कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं, तो उसके फंक्शन ही क्वासी जुडिशियल होते हैं। लेकिन यहां पर एंड लगा करके अलग से दिया गया है, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी मतलब कि ये कुछ अलग है। अब ये क्या है? ये वो चीज है जिसे कि किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को क्वासी जुडिशियल पावर दे दिया गया हो, एडजुडिकेशन के पावर दे दिए गए हों, उसे न्याय निर्णयन के पावर दे दिए गए हों, तब उसे बोलते हैं क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। दैट मीन्स व्हेन एनी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज परफॉर्मिंग देयर पावर या एक्सरसाइजिंग देयर पावर एज ए क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज, देन ही इज फॉलिंग इन दिस एम्बिट। तो अब जैसे तहसीलदार है, लाइक दैट मजिस्ट्रेट है, तो जब ये कभी लैंड रेवेन्यू के मामले देखते हैं, एसडीएम है कभी लैंड रेवेन्यू के मामला देखता है, तब उस समय वो एडजुडिकेशन का काम करता है और वो क्वाफी जुडिशियल अथॉरिटीज कहा जाता है। तो ये वो चीजें हैं। तो इन दोनों पर ट्रिब्यूनल तो खैर एज इट इज है ही, उसके पास पावर ही है, और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज जब क्वासी जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो इन दोनों पर जुडिशियल कंट्रोल क्या क्या है, किस तरीके से है, वो हम देखेंगे। अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं। तो जब हम ट्रिब्यूनल को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ट्रिब्यूनल और इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड फॉर डिस्चार्जिंग जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल ड्यूटीज एंड द ऑब्जेक्टिव मे बी टू रिड्यूस केस लोड ऑफ द जुडिशियरी और टू ब्रिंग इन सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज इन टेक्निकल मैटर। तो दीज आर द टू बेसिक रीजन। पहला ये था कि टू रिमूव द बर्डन ओवर द कोर्ट, कोर्ट के पास बहुत ज्यादा पेंडिंग केसेस हैं, तो वहां से उनके बर्डन रिमूव किए जाए। और दूसरा था कि जहां कोई सब्जेक्ट टेक्निकल सब्जेक्ट है, उस मामले में एक्सपर्ट के द्वारा ही उसको रिजॉल्व किया जाए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिब्यूनल को एस्टेब्लिश किया गया। तो ट्रिब्यूनल जो एस्टेब्लिश किए गए वो कई लेवल पे किए गए। सुप्रीम कोर्ट तो हमारे यहाँ है ही, तो सुप्रीम कोर्ट के इक्विवेलेंट कोई ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया। हाई कोर्ट के पैरेलल ट्रिब्यूनल्स को कॉन्स्टिट्यूट किए गए, और जो हमारे सबॉर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हैं, उनके भी पैरेलल में ट्रिब्यूनल्स को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। तो यानी कि या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और ट्रिब्यूनल उस लेवल का है, तो उनके मामले से अपील या रिविजन हाई कोर्ट में जाएगा, और फिर हाई कोर्ट के यदि इक्विवेलेंट कोई ट्रिब्यूनल है, तो हाई कोर्ट या उस ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट में मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इसका मतलब है कि वो ट्रिब्यूनल्स जो हाई कोर्ट के इक्विवेलेंट हैं, उस ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट में आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। पहले ये कॉन्सेप्ट था, बाद में जो चेंज हुआ है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चीजें ये थी, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम डेवलपमेंट देखें ट्रिब्यूनल्स के। तो सबसे पहला है फर्स्ट ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ, वह इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल था। इससे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को एडजुडिकेटरी पावर दिए गए थे, न्याय निर्णय के पावर तो दिए गए थे। जो सब परिषद गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल इन काउंसिल था ब्रिटिश पीरियड में, वो भी न्यायिक कार्य करता था, क्वासी जुडिशियल फंक्शन करता था, तो उसके पास भी पावर थे। लेकिन एज ए ट्रिब्यूनल के नेम से फर्स्ट टाइम जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया वो हमारा था इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो डीएम जो कलेक्टर था, उसके ऑर्डर के अगेंस्ट में इस ट्रिब्यूनल में अपील जाती थी। इसके बाद 1969 में द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया, उसकी जो है रिपोर्ट आई, उसने रिकमेंड किया दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड सेट अप सिविल सर्विसेज ट्रिब्यूनल एट द नेशनल लेवल एंड द स्टेट लेवल। तो जितने भी सिविल सर्विसेज के लोग हैं, उनसे संबंधित कोई मामला यदि होता है, तो वो एक अलग ट्रिब्यूनल में जाए और उस ट्रिब्यूनल को स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे कॉन्स्टिट्यूट किया जाए।
दीज ट्रिब्यूनल्स वुड बी द फाइनल अपीलेट अथॉरिटीज फॉर द एडजुडिकेटिंग ऑन मैटर रिलेटेड टू द डिसमिसल रिमूवल फॉर सर्विस एंड रिड्यूस इन रैंक ऑफ सिविल सर्वेंट। तो सिविल सर्वेंट के सर्विस से मामला डिसमिसल का हो, रिमूवल का हो, या कोई उनका रैंक से उनको आप जो है डिमोशन दे रहे हैं, तो उससे मामला उसी ट्रिब्यूनल में जाए और वो ट्रिब्यूनल फाइनल ट्रिब्यूनल हो, उसके अगेंस्ट आगे कोई अपील के प्रावधान न हो। बस सुप्रीम कोर्ट का वहीं बचेगा, केवल वहां जा सकते थे आप, अदरवाइज अपील के प्रावधान बस वहीं लास्ट रहेंगे, उनके उनके डिसीजन फाइनल माने जाएंगे। 1974 की बात करें तो सिक्स लॉ कमीशन सेटअप किया गया था और उन्होंने रिकमेंड किया था कि एक सेपरेट हाई पावर ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, और किस लिए? द एडजुडिकेशन ऑफ द मैटर रिलेट पैरेलल टू द हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट के ही समानांतर हो। तो एक हाई कोर्ट के समानांतर एक ट्रिब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, उसको पास उतनी ही पावर हो और जो मैटर वहां पर जाए वो हाई कोर्ट में ना जाए और सीधे वहां से फिर सुप्रीम कोर्ट में निकल जाए। दिस वाज एम्ड एट रिड्यूस एरियाज ऑफ द केसेस इन द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में जितने भी मामले पेंडिंग थे वो मामले वहां से हटा करके कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट के मामले उस ट्रिब्यूनल में लाए जाएं और वो उसको डिसाइड करेगा और वहां से अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, हाई कोर्ट को थोड़ा सा रिलीज किया जाए, रिलीफ दिया जाए। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी आई। ये वही स्वर्ण सिंह कमेटी है जिनके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली फंडामेंटल ड्यूटीज एड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 फंडामेंटल ड्यूटी रिकमेंड किया था, कुल मिलाकर 10 जोड़ा गया और फिर बाद में 86 अमेंडमेंट के थ्रू एक और जोड़ दिया गया, तो आप 11 फंडामेंटल ड्यूटी हमारे वहां पर देख सकते हैं। तो इन्होंने भी अपने उसी रिपोर्ट में ट्रिब्यूनल के लिए रिकमेंड किया था, इन्होंने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बोथ एट नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल टू एडजुडिकेट ऑन मैटर रिलेटिंग टू सर्विस कंडीशन। तो सर्विस कंडीशन के मामले को एडजुडिकेट करने के लिए स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर ट्रिब्यूनल होना चाहिए, फिर ऑल इंडिया अपीलेट ट्रिब्यूनल भी होना चाहिए उसी मामले पर, और फ्रॉम लेबर कोर्ट्स एंड इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। तो जो लेबर कोर्ट हैं और जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल हैं छोटे छोटे लेवल पे, इनके इनके निर्णय के अगेंस्ट में जब अपील जाएगी तो वो एक ऑल इंडिया अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन होना चाहिए ताकि वो इनके खिलाफ अपील सुने, क्योंकि लेबर कोर्ट होती थी छोटी छोटी जगहों पे, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल होते थे, उनके अगेंस्ट में अपील कहाँ जाए ये बहुत दुविधा का होता था, अल्टीमेट हाई कोर्ट में ही जाता था और हाई कोर्ट के पास ओवरबर्डन पहले से ही था। फिर ट्रिब्यूनल फॉर डिसाइडिंग मैटर रिलेटेड टू वेरियस सेक्टर सच एज रेवेन्यू, लैंड रिफॉर्म एंड एसेंशियल कमोडिटीज, इस मामले में भी ट्रिब्यूनल्स को गठन करने के बारे में उन्होंने अपना रिकमेंडेशन किया। एंड इट फर्दर रिकमेंडेड दैट द डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल शुड बी लाइड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। तो इसका मतलब है कि उन्होंने हाई कोर्ट को किनारे कर दिया था और उन्होंने कहा था कि इस ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट में अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, हाई कोर्ट में नहीं जाएगी। इन्हीं के रिकमेंडेशन के आधार पर 42nd अमेंडमेंट लाया गया और पार्ट 14A जोड़ा गया और उसी के माध्यम से ट्रिब्यूनल के गठन के दरवाजे खुल गए और नेशनल लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे दोनों मामलों पे ट्रिब्यूनल की बात कही गई। तो 42nd अमेंडमेंट जो है वो पार्लियामेंट को पावर देता है टू कॉन्स्टिट्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बोथ एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल फॉर एडजुडिकेशन ऑन मैटर रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पब्लिक सर्वेंट। तो ये 42nd अमेंडमेंट था जहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया था और स्टेट की वो वही करे। तो सर्विस से संबंधित अगर ट्रिब्यूनल का गठन किया जाना है तो केवल पार्लियामेंट को पावर दिया गया था। एंड अदर ट्रिब्यूनल्स फॉर एडजुडिकेशन ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट मैटर इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट टैक्सेशन सच एज लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस इत्यादि है जो फॉरेन एक्सचेंज है उसके मामले में भी गठन करने के पावर दिए गए थे। तो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू पार्ट 14A और 14B आया और उसके बाद ट्रिब्यूनल्स के दरवाजे खुलने हुए। इसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर मिला था कि सर्विस मैटर के अलावा किसी अन्य मैटर पे जो उनके स्टेट लिस्ट में आते हैं वो उस मामले पे भी ट्रिब्यूनल्स का गठन कर सकते हैं। तो उसके बाद वो हो गया। उस अमेंडमेंट के बाद एक एक्ट बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985। इसको आपको पढ़ना है, इसके लिए हम एक अलग से लेक्चर बनाएंगे।
इसमें कुल 5 चैप्टर हैं, टोटल जो सेक्शंस हैं वो 37 हैं, और इसकी इन्फोर्समेंट डेट जो है 1 जुलाई 1985 है। अब इसका विस्तार जो है एक्सटेंशन जम्मू कश्मीर पे भी हो गया है, वो डेट है 31 अक्टूबर 2019। तो 31/10/2019 से भारत के लगभग सभी एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अब जम्मू कश्मीर में भी अप्लाई होने लगे हैं। तो इसको आपको देखना है और हम इसके लिए अलग से लेक्चर बनाएंगे। ट्रिब्यूनल्स इन अदर कंट्री की जब हम बात करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि वो भी फेडरल कंट्री है इंडिया की तरह। हालांकि इंडिया थोड़ी सी एक अलग स्टेटस है, बट फेडरल तो है, हम कह सकते हैं कि हम फेडरल हैं। अगर फेडरल नहीं तो यूनियन होंगे या कोऑपरेटिव फेडरल होंगे। अब फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट चेंज हो गए हैं, तो हम फेडरल हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की जब हम बात करते हैं, तो ट्रिब्यूनल इन ऑस्ट्रेलिया डील विद एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिविल मैटर, यानी कि वहां के जो ट्रिब्यूनल हैं वो केवल प्रशासनिक या स्पेसिफिक मामले नहीं देखते हैं, वो सिविल मामले भी देखते हैं। और अपील अगेंस्ट मोस्ट ट्रिब्यूनल लाई विद द कोर्ट ऑफ अपील। तो कोर्ट ऑफ अपील वहां की रेगुलर कोर्ट है, और उस रेगुलर कोर्ट में अपील जाती है। तो चाहे जुडिशियरी का मामला हो चाहे ट्रिब्यूनल का मामला हो, दोनों से अपील कोर्ट ऑफ अपील में जाती है। एंड द कोर्ट ऑफ अपील इज अ डिविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो सुप्रीम कोर्ट की एक डिविजन है वहां पे कोर्ट ऑफ अपील, उसके पास ही जो है ट्रिब्यूनल के मामले अपील में जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं से अल्टीमेटली ट्रिब्यूनल को जुडिशरी के अधीन ही रखा गया है, इंडिपेंडेंट नहीं रखा गया है। जब हम बात करते हैं फ्रांस की, तो फ्रांस हैज अ ड्यूअल लीगल सिस्टम विच क्लासिफाइज कोर्ट इंटू जुडिशियल कोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। तो जो जुडिशियल कोर्ट है वो प्राइवेट लॉ को डील करता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है वो पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डील करता है। इसका मतलब है कि जहां पर कोई ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नमेंट का हो या गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट पर्सन का हो, तो वो पब्लिक लॉ से डील होता है। जहां कोई मैटर प्राइवेट पर्सन वर्सेस प्राइवेट पर्सन है, तो वो प्राइवेट लॉ से डील होता है। तो उसके लिए जुडिशियल कोर्ट है, और जहां पे गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट है, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, तो वो उसके लिए हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है फ्रांस में। तो फ्रांस हैज अ 3-टीयर ट्रिब्यूनल सिस्टम विद इन द कैटेगरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में 3 टीयर में उनका सिस्टम बना हुआ है। तो फर्स्ट ईयर क्या है? फर्स्ट ईयर मीन्स की फर्स्ट इंस्टेंट कोर्ट, ट्रिब्यूनल का जो प्रारंभिक कोर्ट है जहां मामले पहली बार दाखिल होते हैं, उसको बोलते हैं ट्रिब्यूनल एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट, विच हैज ज्यूरिडिक्शन कवरिंग ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। तो प्रशासनिक मामले सभी उनके अधिकार में दे दिए गए हैं, और पहली बार मामला इन्हीं के पास जाएगा। उसके बाद उनके खिलाफ अपील कहाँ जाएगी? एडमिनिस्ट्रेटिव डी अपील में जाएगी, जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट ऑफ अपील कहते हैं। तो प्राइमरी कोर्ट एंड फर्स्ट अपीलेट कोर्ट हो गया। उसके बाद जो थर्ड टीयर है, काउंसिल डी एटेट। तो काउंसिल डी एटेट जो है वो जिससे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, वैसे प्रशासनिक मामले में वहां पे वो सुप्रीम कोर्ट है, और वहां फाइनल अपील वहां पे जाती है और उसका डिसीजन फाइनल होता है। तो सेकेंड टीयर यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डी अपील से अपील काउंसिल डी एटेट में जाती है, एंड दी अपीलेट कोर्ट डू नॉट हैव ज्यूरिडिक्शन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओवर सबॉर्डिनेट कोर्ट। तो जो अपीलेट कोर्ट है इनके पास डू नॉट हैव ज्यूरिडिक्शन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओवर सबॉर्डिनेट कोर्ट। तो सबॉर्डिनेट कोर्ट वाले मामले में इनके पास कोई जुडिशियल रिव्यू के पावर नहीं है, बस केवल ये एडमिनिस्ट्रेटिव वाले मामले में ही ये इन्वॉल्व होते हैं, इसके अलावा इनके पास और कोई पावर नहीं है। इसके बाद जो हमारा जुडिशियल कोर्ट है फ्रांस में, वो एक अलग है। तो जुडिशियल कोर्ट अलग है और एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट अलग है। आगे जब बढ़ते हैं हम, तो ट्रिब्यूनल इन अदर कंट्री में हम कंटिन्यू करते हैं, यूनाइटेड किंगडम में। वहाँ जो चीज़ें हैं उसी को हमने फॉलो किया है, और इंडिया में हमने उसी को अडॉप्ट किया है। तो वहाँ पर 2 टीयर में ट्रिब्यूनल सिस्टम हमें देखने को मिलता है। पहला हमारा है फर्स्ट टीयर ट्रिब्यूनल, एंड सेकेंड हमारा है अपर ट्रिब्यूनल। तो जो द अपील्स अगेंस्ट द फर्स्ट टीयर ट्रिब्यूनल लाई विद द अपर ट्रिब्यूनल, बस इतने तक ही है। इसके बाद विद इन द फर्स्ट टीयर ट्रिब्यूनल देर आर सेवरल चैम्बर्स विथ ज्यूरिडिक्शन ओवर डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर। जो फर्स्ट ईयर है, जो फर्स्ट इंस्टेंट कोर्ट हैं, उन बहुत कोर्ट वहां पर है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली अलग अलग चैम्बर बने हुए हैं। जैसे टैक्स चैम्बर है, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन का है, एक्सपेंसेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए अलग से
चैम्बर है, तो ये फर्स्ट इंस्टेंट फोन है और इनके खिलाफ अपील कहाँ जाएगी, अपर ट्रिब्यूनल में जाएगी। फिर अपील फ्रॉम अपर ट्रिब्यूनल लाइड टू द कोर्ट ऑफ अपील हु इज द सेकेंड हाईएस्ट कोर्ट आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट। जैसे हमारे यहाँ हाई कोर्ट है वैसे वहाँ पे कोर्ट ऑफ अपील है, तो इसका मतलब है कि प्रशासनिक न्यायालय बस टू टीयर के बाद बंद हो जाते हैं, उसके बाद वो रेगुलर कोर्ट में उनमें अपील दाखिल होगी। लेकिन ये जो है अलग से चीजें हैं थोड़ी सी, भले ही वो रेगुलर कोर्ट क्यों ना हो, देयर इज अ सेपरेट ट्रिब्यूनल फॉर एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड मैटर कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट अपील ट्रिब्यूनल। द अपील्स ऑफ दिस ट्रिब्यूनल लाई टू द कोर्ट ऑफ अपील। द अपील्स ऑफ दिस ट्रिब्यूनल, तो सर्विस वाले मामले में, सर्विस वाले मामले में एक अलग वहां पर ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, सेपरेट बनाए गए हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी अपील वहां पे कोर्ट ऑफ अपील में ही जाती है। तो कोई भी ट्रिब्यूनल हो वहां पर, जैसे फ्रांस में अलग चीजें हैं, वहां पर अलग चीजें नहीं है, फाइनली जो है जुडिशरी के अधीन ही उनको रखा गया है। केवल टू टीयर तक चलते हैं, पहले केस लाओगे फिर अपील करोगे, उसके बाद मामला कोर्ट ऑफ अपील में ही जाएगा, फिर वहां से जो है सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। क्योंकि ब्रिटेन में भी अब सुप्रीम कोर्ट 2009 से आ गया है, तो वो चीजें वहां पर देखने को मिलेंगी आपको। तो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स इज मैनेज्ड बाय अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड हर मजेस्टी कोर्ट। तो ये राजा की कोर्ट है, उसके अकॉर्डिंगली ही जो टू टीयर कोर्ट हैं वो मैनेज की जाती हैं और उसी के अकॉर्डिंगली उनका जो है उनको इंस्टीट्यूट किया गया है। एंड ट्रिब्यूनल सर्विस भी उसी अकॉर्डिंगली होती है एंड इज एन एग्जीक्यूटिव एजेंसी स्पॉन्सर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस। तो इसको जो लॉ मिनिस्टर्स हैं वहाँ के, जो विधि मंत्री हैं, न्याय मंत्री हैं, वहीं इसका देख रेख करते हैं और उसी के अधीन सब काम करते हैं। फिर जब हम बात करते हैं यूएसए की, क्योंकि हमें वहाँ भी, हमने कुछ अपने कॉन्स्टिट्यूशन कुछ प्रोविजन वहाँ से भी लिए हैं, इसलिए इनको भी देखना जरूरी है। तो इन द यूएसए ट्रिब्यूनल्स आर एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज ओनली क्वाफी जुडिशियल फंक्शन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। तो जो प्रशासनिक एक्शन उनके हैं उसी से संबंधित ये जो है अपने न्याय निर्णय के कार्य देखते हैं। तो द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूट डज नॉट अलाउ वेस्टिंग जुडिशियल पावर्स इन अ बॉडी विच इज नॉट अ कोर्ट। तो क्योंकि जब वहां का हमने कॉन्स्टिट्यूशन देखा, आर्टिकल 1, 2 and 3, दीज आर द 3 आर्टिकल विच आर क्लियरली एस्टैब्लिश द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो वहां पे एग्जीक्यूटिव पावर को एग्जीक्यूटिव में इन्वेस्ट है, जुडिशरी पावर को जुडिशरी में इन्वेस्टेड है, तो इसलिए वो जुडिशियल पावर किसी और बॉडी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि ये केवल बस एडमिनिस्ट्रेटिव मामले ही देख सकते हैं और कोई मामले नहीं देख सकते। तो द डिसीजन ऑफ दीज एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आर सब्जेक्ट टू द रिव्यू ऑफ द कोर्ट हैविंग जुडिशन ओवर देम। तो इनके ऊपर जो प्रॉपर जुडिशियरी है उसका जो है सत्ता बरकरार है और वो इनके मामले का रिव्यू या रिविजन कर सकती है। तो अल्टीमेटली अमेरिका में भी कहीं ना कहीं जो जनरल कोर्ट हैं, न्यायिक जो है, न्यायपालिका है, उसके अधीन ही ट्रिब्यूनल्स को रखा गया है, फ्रांस की तरह इंडिपेंडेंट नहीं किया गया है। तो अब हम इंडिया की बात करते हैं। 42nd अमेंडमेंट आया, उसके बाद जो है एक एक्ट आ गया, उसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दिया गया कि वो अपने अलग अलग मामले पर ट्रिब्यूनल्स को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। वो एक्ट हम बाद में बताएंगे आपको। तो उस एक्ट को चैलेंज किया गया SP संपत कुमार एक्सेट्रा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1986 में, क्योंकि उस एक्ट के थ्रू क्या हुआ था कि हाई कोर्ट की अधिकारिता छीन ली गई थी और ट्रिब्यूनल्स के अगेंस्ट में केवल आर्टिकल 136 के तहत ही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जा सकता था और हाई कोर्ट के 227 and 226 के पावर हटा लिए गए थे। 32 भी अवेलेबल नहीं था, केवल 136 के तहत ही जा सकते थे। हालांकि 32 सुप्रीम कोर्ट का बात की चीजें हैं, बट 36 वहां पे 136 जो है एक्सप्रेसली मेंशन लिखा हुआ था। तो इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड फॉर पार्लियामेंट टू क्रिएट एन अल्टरनेट इंस्टीट्यूशन टू हाई कोर्ट विद जुडिशन ओवर सर्टेन मैटर प्रोवाइडेड दैट द अल्टरनेट बॉडी हैज सेम एफिकेसी एज दैट ऑफ द हाई कोर्ट। तो व्हाट आर द पावर हैव द हाई कोर्ट? द सेंट्रल गवर्नमेंट इज हैविंग द पावर टू गिव सेम पावर एज एनी अल्टरनेटिव बॉडी। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि अगर किसी एक्ट के माध्यम से हाई कोर्ट के पावर छीन लिए गए और उसी के समानांतर कोई कोर्ट बना दी गई है तो ये वैलिड होगा, ये पार्लियामेंट के अधिकार में है।
और उन्होंने कहा कि सच ट्रिब्यूनल विल बी कंसीडर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ हाई कोर्ट। और ऐसा ट्रिब्यूनल क्या है कि हाई कोर्ट का स्थापना मन ट्रिब्यूनल माना जाएगा। बट उन्होंने कहा कि जो उसके अपॉइंटमेंट हैं तो अपॉइंटमेंट शुड बी मेड आइदर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाय ए सिलेक्शन कमिटी हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और करेंट सुप्रीम कोर्ट जजेस और द हाई कोर्ट और द कंसर्न हाई कोर्ट। तो या तो जो जो ट्रिब्यूनल्स हैं जो इन द लीव ऑफ द हाई कोर्ट आए हैं उनमें जब अपॉइंटमेंट की बात होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट तो करेगी लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह से करेगी या कोई सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी उसका हेड चीफ जस्टिस होगा या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज होगा या हाई कोर्ट का कंसर्न हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, उसकी सलाह पर भी ही उस ट्रिब्यूनल के अपॉइंटमेंट किए जाएंगे। लेकिन अगर हाई कोर्ट की अधिकारिता छीन ली गई है तो ये कोई गलत नहीं है, ये संवैधानिक होगा। तो उस एक्ट को जो 1986 का एक्ट था इंडियन ट्रिब्यूनल्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट जो है उसको वैलिड किया गया। लेकिन मामला जब आगे बढ़ा तो एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आ गया। इसमें कहा गया कि जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जब बेसिक स्ट्रक्चर है तो आप किसी अमेंडमेंट के थ्रू या किसी अदर एक्ट के थ्रू उसको आप छीन नहीं सकते। हाई कोर्ट के पावर क्या है, वो संवैधानिक पावर है, संविधान से मिले हैं। तो जो संविधान आपको पार्लियामेंट को पावर दे रहा है वही संविधान हाई कोर्ट को भी पावर दे रहा है, इसलिए पार्लियामेंट वो पावर उसे छीन नहीं सकती, वो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का। तो अपने प्रीवियस डिसीजन जो संपत कुमार में कोर्ट ने कहा था उसको यहां पर उन्होंने पलट दिया और उन्होंने कहा कि द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट सच ट्रिब्यूनल में डिसाइड क्वेश्चन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, इसको ओवर रूल कर दिया पहली बात। इसका मतलब यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी थी प्रीवियस एक्ट की उसको उन्होंने ओवर रूल किया। उसके बाद they will be considered as a supplement rather than as substitute of high court on such matter. तो वो ट्रिब्यूनल्स हाई कोर्ट को स्थानापन्न नहीं कर सकते, हाई कोर्ट के अनुपूरक हो सकते हैं, उसके सहायक हो सकते हैं, लेकिन ये कहोगे कोई ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट को हटा करके उसके स्थान पर बैठ जाए तो ये कभी नहीं होगा। एंड देयर डिसीजन ऑन सच मैटर मे बी एग्जामिन्ड बाई अ डिविजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट डिवीजन बेंच उसके डिसीजन को हमेशा एग्जामिन कर सकती है। एंड ट्रिब्यूनल मस्ट नॉट एडजुडिकेट ऑन क्वेश्चन रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ देयर पैरेंट इंस्टीट्यूट्स। तो किसी पैरेंट इंस्टीट्यूट्स के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बारे में भी कोई क्वेश्चन है तो ट्रिब्यूनल कभी भी उसको डिसाइड नहीं कर सकती, वो हाई कोर्ट के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा। यानी कि किसी अधिनियम की संवैधानिकता की जांच या तो हाई कोर्ट करेगा या सुप्रीम कोर्ट करेगा, ट्रिब्यूनल उस मामले की जांच नहीं कर सकता। एंड सच मैटर मस्ट बी एडजुडिकेटेड डायरेक्टली बाय हाई कोर्ट। तो यहाँ पे चीजें पलट गई, संपत कुमार के जो डिसीजन थे उससे यहाँ पे अलग चीजें आ गई थी। फिर हमारा एक अगला केस आया आर गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर 2010 का है। पार्लियामेंट में क्रिएट अल्टरनेट मैकेनिज्म टू हाई कोर्ट्स ऑन सब्जेक्ट मैटर इन द यूनियन लिस्ट। ये बात तो कह दी गई कि अगर कोई मैटर यूनियन लिस्ट में है तो हाई कोर्ट के अलावा कोई एक अल्टरनेटिव व्यवस्था कर सकती है उस सब्जेक्ट मैटर पर, क्यों उसके द्वारा रिजॉल्व किए जाए। देयर इज नो नीड ऑफ अ टेक्निकल मैटर इफ जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट इज ट्रांसफर टू द ट्रिब्यूनल सोलेली टू अचीव एक्सपेडियस डिस्पोजल ऑफ मैटर इन एनी बेंच टेक्निकल मेंबर्स मस्ट नॉट आउट नंबर जुडिशियल मेंबर्स। लेकिन टर्म्स कंडीशन लगा दिया, कोर्ट ने कहा कि यदि मामला ऐसा है जिसमें जो है इट इज एक्सपीडियस डिस्पोजल, यानी कि ये एकदम तत्काल में उसका निपटारा होना आवश्यक है और समीचीन है उसका निपटारा होना, कि इसका निपटारा किया जाए कि ट्रिब्यूनल के द्वारा, तो उस सब्जेक्ट मैटर की अधिकारिता हाई कोर्ट से लेकर के किसी अन्य ट्रिब्यूनल को दी जा सकती है और वो ट्रिब्यूनल उस मामले को देखेगा। लेकिन उसके मेंबर जो हैं, जब उसके मेंबर की बात होगी तो हमेशा उसमें न्यायिक मेंबर ज्यादा होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर की अपेक्षा। तो यदि उसमें दो मेंबर एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर हैं तो कम से कम तीन मेंबर उसमें न्यायिक मेंबर जुडिशियल मेंबर होने चाहिए। ओनली सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर विथ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड लीगल नॉलेज बी अपॉइंटेड एज टेक्निकल मेंबर्स।
तो सेक्रेटरी लेवल के ही ऑफिसर जो उस मामले में एक्सपर्ट हो, जिन्हें थोड़ी लॉ की जानकारी हो, वही उसमें अपॉइंट हो सकते हैं, अदरवाइज सब लोग उसमें अपॉइंट नहीं हो सकते, ये बात उसमें कही गई है। तो ट्रिब्यूनल पे थोड़ा सा अंकुश लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल को बता दी, क्योंकि भाई अमेंडमेंट हुआ है 42 के द्वारा, तो बता तो दी कि ठीक है आप कॉन्स्टिट्यूट तो कर सकते हो, लेकिन जो उसके मेंबर हैं उसमें हमेशा आपको न्यायिक मेंबर ज्यादा रखने पड़ेंगे, नंबर एक। नंबर दो, जो भी आपके प्रशासनिक मेंबर होंगे उसमें ट्रिब्यूनल्स में, वो भी सेक्रेटरी लेवल के होंगे, उससे कम के नहीं होंगे। मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है कि ग्रुप ए और इक्विवेलेंट रैंक ऑफिसर विद एक्सपीरियंस इन द इंडियन कंपनी लॉ सर्विस एंड द इंडियन लीगल सर्विस ग्रेड फर्स्ट कैन नॉट बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज जुडिशियल मेंबर। तो ट्रिब्यूनल्स जो हाई कोर्ट के लेवल के ट्रिब्यूनल्स हैं, उसमें ग्रुप ए या ग्रेड वन के सर्विस के स्तर के लोगों को वहां पर आप जो है अपॉइंट नहीं कर सकते, जब तक कि वो सेक्रेटरी लेवल के तक नहीं न पहुंच जाए। तो सेक्रेटरियट लेवल का कोई ऑफिसर हो तो उसी को आप अपॉइंट उसमें कर सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट फॉर ऑल ट्रिब्यूनल शुड कम दी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। उसमें जितने भी मेंबर हैं उनको सभी एमिनिटीज, सभी फैसिलिटीज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, किसी और पे वो न थोपे कि नहीं वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन रहेंगी, क्योंकि यदि वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन हो जाएंगी तो स्टेट गवर्नमेंट उनको इन्फ्लुएंस करेगा, इसलिए पे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अधीन ही रहेगा, वहीं उसकी देखभाल करेगा और वहीं सब कुछ प्रोवाइड करेगा। एंड नाइदर द ट्रिब्यूनल्स नॉर देयर मेंबर मस्ट सीक और बी टेकन एनी एमिनिटीज फैसिलिटीज फ्रॉम दी रिस्पेक्टिव पैरेंट मिनिस्ट्री और कंसर्न डिपार्टमेंट। तो यदि कोई मिनिस्टर, कोई सचिव है, सेक्रेटरी है, यानी मान लो वो फूड डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, अब उसको ट्रिब्यूनल में आपने अपॉइंट कर दिया, तो अब वो अपनी सैलरी, अपनी फैसिलिटीज, अपनी एमिनिटीज फूड डिपार्टमेंट से नहीं लेगा, उसको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ही प्रोवाइड करेगी, ताकि वो इन्फ्लुएंस ना हो, सब्जेक्ट मैटर बायस की बात ना आए, ये बात यहाँ पे कही गई। फिर रोजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड 2019 का केस है। जुडिशियल फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाय टेक्निकल मेंबर। क्योंकि ट्रिब्यूनल्स की बात है, ट्रिब्यूनल्स में कई तरह के मेंबर होते हैं, कुछ टेक्निकल मेंबर होंगे, कुछ अपने न्यायिक मेंबर होंगे, तो जो टेक्निकल मेंबर है वो जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, उन्हीं इसमें कहा गया। प्रोविजंस टू अलाउ रिमूव ऑफ जजेस बाय द एग्जीक्यूटिव इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यदि कहीं कहा गया है कि जो उसके मेंबर्स हैं उसको जो है जुडिशियरी रिमूव कर सकती है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, क्योंकि यदि हमने ऐसा कर दिया तो इसका मतलब है कि वो हमेशा एग्जीक्यूटिव के दबाव में काम करेगा और उन्हीं के फेवर में जो है डिसीजन देगा। तो देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म एज ऑफ रिटायरमेंट फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ ऑल द ट्रिब्यूनल्स एंड शॉर्ट टेन्योर लीड to control of executive over tribunals causing adverse effect on the independency of the judiciary. तो सबके एज भी इक्वल होने चाहिए और उनके जो शॉर्ट टर्म करते हैं कि नहीं एक दो साल के लिए हमने कर दिया फिर उनका जो है ट्रांसफर किसी कहीं और कर देंगे, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव काउंट पे जो है कंट्रोल रहेगा, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और इम्पैक्ट ऑफ एमलगमेशन ऑफ ट्रिब्यूनल शुड बी एनालाइज्ड। तो यदि कोई बंदा है जो एडमिन वर्क भी कर रहा है और जा करके वहाँ पर ट्रिब्यूनल में भी बैठ रहा है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो ट्रिब्यूनल में बैठ गया अब उसको एडमिन वर्क नहीं दो, ताकि वो दोनों में सेपरेशन ऑफ पावर के हमारे डॉक्ट्राइन जो है मेंटेन रहे। इसके बाद मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस एक और आया, 2020 का केस है ये। नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन शुड बी सेटअप टू सुपरवाइज अपॉइंटमेंट एज वेल एज फंक्शनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पर याद रखना आप लोग कि नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन की बात कही गई है, कि कमीशन यहाँ पे बने जो कि सभी ट्रिब्यूनल्स के बारे में एक कॉमन रूल बनाए। उसके बाद मेंबर्स विल हैव अ टर्म ऑफ 5 ईयर इंस्टेड ऑफ 4 ईयर्स, ये भी कहा गया। एंड मेंबर्स विल बी अलाउड टू होल्ड ऑफिस टिल दे रीच 67 ईयर्स ऑफ एज इंस्टेड ऑफ 65। इतनी बातें कही गई, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बातें हैं, प्री के लिए आपको जो है ये काम करेंगी। तो आगे बढ़ते हैं, एक और केस आया 2021 का है। द कोर्ट स्ट्रक डाउन प्रोविजंस रिलेटेड टू द 4 ईयर्स टेन्योर एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट
और 50 ईयर्स ऑफ मेंबर्स। तो मिनिमम एज तो कुछ भी हो सकती है, जो 50 ईयर्स होना जो है इन्होंने हटा दिया, और टेन्योर भी 4 ईयर का भी हटा दिया, 5 साल का टेन्योर हो सकता है। तो ये बातें कही गई हैं, उससे ज़्यादा भी टेन्योर हो सकता है। इसके बाद कहा गया इंडिपेंडेंसी ऑफ ट्रिब्यूनल की जब हम बात करेंगे, तो केस हमने देखा है मद्रास बार एसोसिएशन का केस है, 2010 का है, 2014 के केस है, इसको आप पढ़ लेना। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि ट्रिब्यूनल्स को इंडिपेंडेंट होने के लिए, सेपरेट होने के लिए यहाँ पे कहा गया है। कहा गया कि द सुप्रीम कोर्ट नोटेड दैट द ट्रिब्यूनल इन इंडिया हैव नॉट अचीव्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंसी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव का हमेशा उन पर दखल बना रहता है, वो ट्रांसफर कर देते हैं जिसको चाहे, उसको उसमें अपॉइंट कर देते हैं अपने मनपसंद आदमी को। तो ये चीज़ें वहाँ पे कही गई थी, और फिर उन्होंने कहा था कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है उनका, वो जो है निश्चित होना चाहिए, कंपोजिशन ऑफ ट्रिब्यूनल जो है फिक्स होना चाहिए, टर्म्स ऑफ ऑफिस फिक्स होना चाहिए, तमाम उन्होंने बातें जो है दूसरे वाले केस में कही थी। फिर उनका सिलेक्शन कैसे हो, इसके लिए दो केस हमारे पास आए, एसपी संपत कुमार एंड रोजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड है। तो इसको पढ़ लेना, चीज़ें बहुत सिंपल सी हैं कि सिलेक्शन जब भी होगा तो न्यायपालिका का जो है दखल रहेगा, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी इंडिपेंडेंसी जो है वही खत्म हो जाए। इंडिपेंडेंट रहें हमेशा, वो स्वतंत्र रहें, किसी पर डिपेंड ना रहें। और इसके बाद जो है ये भी केस एक हमारे पास है उसी के रिगार्डिंग जो है, फिर तमाम केसेस यहाँ पर हम देख ही रहे हैं। तो ये भी चीज़ें हैं, इसको आप देखते जाना और इस पर नोट करते जाना कि किस केस में क्या कहा गया है। आपके प्री में भी काम देगा और मेंस में भी काम देगा, उनकी ऑफिस के टर्म्स कितने होने चाहिए इसके बारे में भी कहा गया है। तो चीज़ें हैं जी, लास्ट का जो है उस 70 ईयर कर दिया गया है फॉर द चेयर पर्सन एंड 67 ईयर फॉर द मेंबर्स के लिए कहा गया है मद्रास बार वाले केस में। फिर उसके बाद जो है तमाम केस हमने देखे ही हैं, तो ये सब की जो रिपोर्ट है 74 की, उसको भी आप लोग पढ़ लेना और इसको देख करके आगे बढ़ना। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। हम ट्रिब्यूनल्स को भी कंटिन्यू करेंगे और इसके आगे जो है कुछ हम और चीज़ें बताएंगे कि इंडिया में ब्रिटिश पीरियड में ट्रिब्यूनल्स कैसे कैसे अस्तित्व में आए, कब प्रशासनिक अधिकारियों को न्यायिक निर्णय करने के अधिकार दिए गए हैं, उसके बाद इन पे कंट्रोल क्या होगा वो भी हम देखेंगे। तो ये हमारा ट्रिब्यूनल्स था। इसके बाद हमारा आएगा क्वासी जुडिशियल फंक्शन, यानी कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है वो अर्ध न्यायिक कार्य कैसे कर रहा है, तो इसका डेवलपमेंट भारत में कैसे हुआ। तो धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।